2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में आज भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने कैबिनेट मंत्री सौरभ बगोड़ा को सदस्यता दिलाई है। इसके साथ साथ जो क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। जिले के तमाम विधायक एवं पूर्व विधायक है उनको भी सदस्यता दिलाई गई है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बगोड़ा जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है, क्या टारगेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार रखा गया है सदस्य बनाने का। ये बताइए कि आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी को इस पर्व की शुरुआत दिल्ली से करी जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सदस्यता ग्रहण कराई 2 सितंबर को, और 3 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को देहरादून में सदस्यता ग्रहण कराई। इसी क्रम में जिले में आज कमल जिंदल जी जो जिला अध्यक्ष जी ने हैं उन्होंने हमारे मुझको और हमारे साथ जितने भी पदाधिकारी हैं पार्टी के सीनियर पदाधिकारी हैं उन सबको सदस्यता ग्रहण करवाई है। एक लक्ष्य रखा है देश में कि फिर से भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ लोगों को नए लोगों को सदस्यता ग्रहण कराएगी। और हमारे जिले में जो है लगभग 780 बूथ हैं, 191 शक्ति केंद्र हैं। हमने जो लक्ष्य रखा है उधम सिंह नगर का वो 200 मिनिमम सदस्य पर बूथ पे हमने एक लक्ष्य रखा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये इस लक्ष्य को पूर्ण करने में अपनी पूरी सहभागिता देंगे। एक मत है पार्टी का कि पार्टी लगातार आगे बढ़ती रहनी चाहिए, पार्टी की विचारधारा आगे बढ़ती रहनी चाहिए, और जो नए लोग पार्टी आज पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जो 18 साल के बच्चे अब हुए हैं, जो वोट देंगे, उनको इस देश निर्माण में कैसे उनका योगदान दिया जा सकता है, कैसे उनको उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित की जा सकती है, उस पर पार्टी थोड़ा सा ध्यान देगी। उत्तराखंड में कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया आप लोगों की तरफ से? जैसे मैंने आपको बताया कि 200 मिनिमम सदस्य पर बूथ, तो कोई लक्ष्य नहीं है, जितना मैक्सिमम हो जाए लेकिन मिनिमम 200 पर बूथ। ये अभियान जो है नगर निकाय चुनाव और नगर पालिका के चुनाव के साथ साथ जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नील का पत्थर साबित होगा? नहीं, जरूर होगा। देखिए, इसी इस अभियान के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों के घर घर तक जाएंगे, लोगों से चर्चा होगी भारतीय जनता पार्टी की क्या रीति है, क्या नीति है, क्या काम किए हैं माननीय मोदी जी ने 10 साल में, वो लोगों से चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका फायदा हमको चुनाव में भी मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो ऑब्वियसली चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तो कोई ये चुनाव के कोई मद्देनजर ये कोई सदस्यता अभियान नहीं रखी गई है, ये हर 6 साल में पार्टी करती है। मेन इसका लक्ष्य ये है कि नए लोगों को कैसे पार्टी में जोड़ा जाए, नई सोच के लोगों को कैसे जोड़ा जाए, और युवा पीढ़ी को देश निर्माण में कैसे उनका प्रतिभाग। क्या इस बार फिर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हम तो ऑलरेडी सबसे बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ सदस्य के साथ हम सबसे बड़ी पार्टी है। हमें ये अभियान इसलिए चलाना पड़ता है ताकि नए लोगों को हम पार्टी में जोड़ के उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित करें देश निर्माण के लिए। आपकी ही जो पार्टी है उसके एक नेता है, नैनीताल से दूध संघ के अध्यक्ष हैं, उन पे महिला उत्पीड़न का आरोप लगा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुखद है कि उनके ऊपर एक ऐसा आरोप लगा है, पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है, पुलिस ने उनके ऊपर FIR दर्ज करी है। जिस दिन तहरीर आई उसके अगले दिन FIR दर्ज हो गई है। उनको जो फेडरेशन में वो हमारे मनोनीत उस पद पे थे, सरकार ने उनको उस पद से हटाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, नियम अनुसार कार्रवाई करेगी, और जो भी गलत होगा उसमें सजा होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है मुन्ना सिंह चौहान ने बंगाली समाज को लेकर एक टिप्पणी की है सदन में, जिसको लेकर उत्तराखंड के बंगाली समाज में काफी आक्रोश है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत एक राय थी। मुझे जहां तक लगता है कि उनको जानकारी का अभाव था जिसके कारण उन्होंने ये शब्द बोले हैं। बंगाली समाज के हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग जहां भी बसे हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हिस्सा है, उत्तराखंड का वो एक भाग है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बंगाली समाज के लोगों को सम्मान दिया है। बंगाली समाज के लिए जो सबसे बड़ा कलंकित शब्द पूर्वी पाकिस्तान उनके जाति प्रमाण पत्रों में लिख के आता था, उसको हटाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ। आज भी उत्तम दत्ता जी बंगाली समाज के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो हमारे सरकार में जो है राज्य मंत्री बने हुए हैं। तो ये कांग्रेस भ्रमित कर रही है लोगों को, ये पार्टी का व्यू नहीं है, मुन्ना सिंह चौहान जी का व्यू अपना पर्सनल व्यू था, जिसके लिए मैं, अगर उससे किसी को भी आहत हुई है बंगाली समाज के लोगों के लिए, तो मैं मुन्ना सिंह चौहान जी की तरफ से सबसे माफी मांगता हूं। आपने सुना कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बगोड़ा थे, उन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पे मिनिमम 200 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करेगी, इसके साथ ही प्रदेश में लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी। उनका कहना है कि आने वाले नगर निकाय चुनाव और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। एक
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।